लिए भी हम पहुंच चुके हैं श्री महाकाल जी के मंदिर में। कभी आओगे तो फोन कहीं रख के आना, सकते हैं लोकर हैं सेफ है। तो सब कुछ काल भैरव जी को प्रसाद मिल जाती है दारू। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग शुरू कर रहा हूँ मैं इंदौर के हाईवे से। तो पीछे शोर बहुत है, साइड में चलते हैं। तो आज की जर्नी है महाकाल उज्जैन की। उज्जैन आए तो महाकाल नहीं गए तो कोई फायदा नहीं इंदौर आने का। तो अभी चलते हैं इंदौर की तरफ, सॉरी उज्जैन की तरफ। तो साथ में है मेरे आज वही भाई है जो चुमुंडा में गिर गया था, और ये है हमारी आज की राइडिंग पार्टनर। और सेटअप भी है, मोटो व्लॉग करेंगे, थोड़ा बहुत कवर करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा ज़्यादा करेंगे कवर। अब चलते हैं एवेंजर में आगे तरफ। तो अभी हम पहुंचे हैं, कहाँ पहुंचे हम पहुंचे हैं अभी चिमनबाग। कहाँ से? चिमनबाग। चिमनबाग चिमनबाग और ये कुछ जगह का नाम। तो यहाँ पे है खाने पीने की सारी आइटम। तो यहाँ का तो फेमस जो है इंदौर का पोहा और कचौरी, बड़ा कुछ रखा है, समोसे कुछ रखा है, जलेबी कुछ रखा है, थोड़ा सा खाएंगे। एक तो मिर्ची बहुत होती है यहाँ के खाने में और अपनी हालत हो जाती है ख़राब। तो अब इसको खाते हैं और चलते हैं आगे तरफ। ये रहा पोहा कुछ देखने में। तो ये रहा कुछ सेटअप मोटो व्लॉग का, लेकिन मैं अपना हेलमेट लाया नहीं हूँ और ये हेलमेट लूज है थोड़ा, तो इतनी दूर से अब हेलमेट लाना मेरे लिए थोड़ा टफ था, तो मैं अपना लाया नहीं। और यही है, और यहाँ पे एक रूल है कि हेलमेट के साथ कोई चलाता नहीं है बाइक। ये इंदौर का रूल है, जो हेलमेट साथ चला रहा है उसका बेवकूफ बोलते हैं। तो यहाँ पे मतलब मैक्सिमम बंदे जो हैं विदाउट हेलमेट चलते हैं, विदाउट मतलब यहाँ पे कानून कानून कुछ नहीं है। हमारे हिमाचल में जैसे बहुत कुछ है, बंदे विदाउट हेलमेट चलते नहीं हैं और ना ही वो बिना लाइसेंस चलते हैं। यहाँ पे कोई रूल नहीं है, कोई 18+ नहीं, कोई कुछ नहीं, जो आ रहा है करो। गलत है रूल ये सब कुछ, यहाँ पे होना चाहिए रूल, होगा तभी देश सुधरेगा। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ, अब देखते हैं कुछ आगे मिलेगा तो करने को। अब ये है यहाँ का हाईवे, बोल लो हाईवे अभी शुरू नहीं हुआ है। और भाई पीछे बैठा, ये मेरे को बता रहा है सब कुछ, मेरे को कुछ पता है नहीं इस एरिए का। और देखो कहाँ से आ रहा है, इसको कोई लेन देन नहीं कि आगे से बाइक आ रही है कि आ रही है, अपनी गाड़ी सेफ होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। इनको गोल घूमना है। और ये रहा सामने का हाईवे, ये क्या है नमकीन, नाम भी खतरनाक है, क्या नमकीन कोई क्लस्टर कुछ ऐसे ऐसे नाम है। और ये हाईवे इंदौर का, ये है कोई 50 किलोमीटर का हाईवे है पूरा। ये निकलता अपना उज्जैन महाकाल मंदिर के पास। तो आज कवर करूँगा मैं जितना कवर होगा, एक तो महाकाल मंदिर कवर करूँगा, एक काल भैरव कवर करूँगा। और हेलमेट थोड़ा लूज है तो मोटो व्लॉग करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो मैं आगे सोच रहा हूँ हेलमेट मोटो व्लॉग को कैंसिल ही करते हैं। और अभी तक जितना था ठीक कर दी, ठीक है मतलब जितना हो गया ठीक है, अब आगे फ़ोन से शूट कर लेंगे थोड़ा बहुत। भाई हेलमेट खोलना पड़ेगा, ये लूज है, लूज है, लूज हेलमेट। तो ये सामने महाकाल जी का प्रवेश द्वार है, स्टार्टिंग में ही है इंदौर से जब हम उज्जैन तरफ जाते हैं। तो ये है पूरा कुछ यहाँ का व्यू। तो फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं श्री महाकाल जी के मंदिर में, और यह है कुछ यहाँ का नज़ारा। जो मैं 2 साल पहले आया तो ये कुछ नहीं बना था, अब तो पूरा चेंज है। तो मेरे लिए नया है, और जो लोग नहीं आए हैं वो भी देख रहे हैं सारे, तो आप भी देखो। और अंदर साइड फ़ोन लाउड है या नहीं है वो तो आप जाके लगेगा पता, अगर होगा तो वीडियो शूट करेंगे और नहीं हुआ तो नहीं कर पाएंगे। देखते हैं कुछ चोरी छुपे कर लेंगे, नहीं दूर आए हैं ऐसे तो जाएंगे नहीं। अलाउड है, इसमें अलाउड है, देखते हैं अब अलाउड है या नहीं है आगे जाके।
तो ये है सामने महाकाल मंदिर जी का, महाकाल लोक बोलते इसको। मैं जो पहली बार आया था इस यहाँ से आया था, साइड से, मैं साइड से आया था, हाँ उस साइड से आया था। अब हम इस साइड जाएंगे ना, इस साइड जाएंगे। ये सामने मंदिर भी है, माता जी का मंदिर है, ये भी माता जी का मंदिर है, भरत माता मंदिर। और आगे की तरफ ये कुछ, अब आगे चलते हैं। सामने से यहाँ से है 500 मीटर अंदर है मंदिर। और अब लगेगी यहाँ से लाइन, भीड़ बहुत होती है लेकिन आज तो कम है थोड़ी। तो अब चलते हैं अगर अंदर जाके दिखाते हैं कुछ आपको। ये रहा एंट्री महाकाल मंदिर की, जय महाकाल। तो फिर अंदर अलाउड था नहीं, तो अंदर जो भी थे लोकल बंदे उनसे थोड़ी वीडियो बनाई है, वो आप क्लिप में देख लेना। तो जब भी आओगे तो फ़ोन कहीं रख के आना, ऐसे तो यहाँ लोकर हैं, सेफ रहता सब कुछ, लेकिन कहीं रख के ना टाइम ज़्यादा लग जाता हो तो क्या है। महाकाल जी का मंदिर सामने वाला, और इस तरफ है सारा, इस तरफ जो है गर्भगृह इस तरफ है, और ये सामने महाकाल जी का मंदिर। तो फ़ोन तो लाउड था नहीं, लेकिन यहाँ के जो लोकल बंदे हैं, हमारे ये भाई हैं जिन्होंने हमें अपना फ़ोन दिया है, तो भाई शूट करना थोड़ा सा तो ये था कुछ महाकाल जी का मंदिर। अब चलते हैं आगे की तरफ, एक मंदिर हो रहा है काल भैरव, अब वहाँ चलते हैं। बोलते हैं कि अगर यहाँ दर्शन करो, काल भैरव में दर्शन करना कंपलसरी है, तो चलते हैं आगे की तरफ। तो अभी हम पहुँचे हैं काल भैरव मंदिर, लेकिन भीड़ बहुत है, कम से कम 1-2 हज़ार बंदे कम से कम। तो यहाँ पे जो है मंदिर में, यहाँ पे काल भैरव जी का मंदिर है, तो काल भैरव जी को प्रसाद में दी जाती है दारू। तो इस टाइम तो दारू बोलते हैं सुबह ही होता है, मतलब इनको सुबह पिलाते हैं, पहले तो डाल लेते थे लेकिन अब बोलते हैं कि सुबह ही पिलाते हैं, तो अब इसको ले जाने का फ़ायदा नहीं है, तो यहीं कहीं से पिला देंगे। और ये रहा काल भैरव जी का मंदिर। तो यह सामने काल भैरव जी का मंदिर, मैं 1-2 बार आया हूँ। अब चलते हैं लाइन में, यहाँ भी वही चक्कर है, फ़ोन लाउड है नहीं, अंदर ले जाना। तो यहीं से दर्शन कर लो आप सभी लोग। और यह कुछ यहाँ का व्यू, तो अब चलते हैं आगे की तरफ। तो अभी दर्शन हमारे हो चुके हैं, और दारू हमने पिला दी बाबा जी को। और ये रहा आज कुछ खाना, ये है कुछ इंदौर का खाना, ये क्या क्या है, ये दाल, आलू, टमाटर, मटर पनीर बोल के गया था वो, और ये कड़ी है सही, और ये चटनी चुटनी है कुछ, इसको खाते हैं फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो खाना वगैरह अब हो गया, अब चलते हैं इंदौर के लिए, कहाँ जाना है, चलते हैं इंदौर तरफ। तो दर्शन हो गए हैं, तो यही है कुछ महाकाल और काल भैरव का मंदिर, चलते हैं आगे इंदौर तरफ। तो अब इसी के साथ ये था कुछ उज्जैन और काल भैरव जी का मंदिर का दृश्य। तो आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा, और कुछ भी अच्छा लगेगा तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना।
और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। जय श्री महाकाल। तो जो जो नहीं आ सकते हैं, और कई लोग दूर से भी होते हैं नहीं आ सकते हैं महाकाल, तो वो जरूर ये लोग देखना और भगवान के दर्शन तो आपको करवाए देंगे। हमने ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ जुगाड़ करके वीडियो बना ली है। तो अब इस ब्लॉग को ये एंड करते हैं, और कुछ भी ऐसा होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।